वक्त के बाद दोबारा हाजिर है। रुख करते हैं शिकागो का, जहां पाकिस्तान की जश्न आजादी की तकरीब हुई, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया गया। वकार अली खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। अमरीका भर में जश्न आजादी और परचम ऊंचाई की तकरीबात मुनक्कद हुई। शिकागो में कौंसल जनरल फैसल नियाज तजमीरी के ज़ेर-ए-क़यादत नहायत खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इक़बाल और उन शुजा इकराम को शिकागो की पाकिस्तानी अमरीकी आवाम ने भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया और यह किया कि वो एक अमन पसंद और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। वाइट कौंसल ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के पैगाम पढ़कर सुनाए। सारे सामईन को, सारे नाज़रीन को पाकिस्तान का 70वां यौम आज़ादी का की खसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाउस ऑफ थ्रोन्स का सारी एनिमेशन एक पाकिस्तानी ने की है, लाइफ ऑफ पाई की एनिमेशन पाकिस्तानी ने की थी, फ्रोजन की एनिमेशन पाकिस्तानी ने की थी, ग्रेविटी की एनिमेशन, एक्स फाइल्स, इन सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का जो हॉलीवुड में नाम, उनके एनिमेटर्स बेसिकली पाकिस्तानी, पाकिस्तान में या पाकिस्तानी अमेरिकन्स कह रहे हैं। इस मौके में वहाँ मौजूद लोगों ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। We are here at the Pakistan's Independence Day. This is a very important day for Pakistan and we're happy to celebrate it. Chicago में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। हर साल ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट के तवस्सुत से भी और कम्युनिटी के तवस्सुत से भी। हमारी पाक धरती हमेशा कायम और दायम रहे, अल्लाह ताला उसको हमेशा सरबुलंद रखे। तकरीब को गीत और संगीत से सजाया गया। कैमरा मैन साहिब के साथ वकार खान, जे न्यूज़, शिकागो।